2014 भारत दौरा बीच में छोड़ने पर ड्वेन ब्रावो ने किया बड़ा खुलासा। कहा आजीवन प्रतिबंध लग जाता। वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने 2014 भारतीय दौरे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले ब्रावो ने विवादित दौरे को लेकर कई राज खोले। 17 अक्टूबर 2014 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा वनडे खेला जाना था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अब क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने शेष दौरा रद्द करने का फैसला किया। विंडीज बोर्ड ने बीसीसीआई से कहा कि खिलाड़ियों के साथ अनुबंध विवाद के चलते उनके पास दौरा रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। एक इंटरव्यू में ब्रावो ने कहा, एक टीम के रूप में हमने फैसला किया कि क्या करना है। मैंने प्रत्येक खिलाड़ी की बात सुनी। एक खिलाड़ी को छोड़कर हर किसी ने इस पक्ष में हस्ताक्षर किया कि वह दौरा बीच में छोड़ने को तैयार हैं। कई बार हमने WIPL अध्यक्ष और क्रिकेट अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की। हमने पहले गेम से हटने की धमकी दी लेकिन फिर भी खेला। हमने दूसरे मैच से हटने की भी धमकी दी लेकिन फिर भी खेला। चौथे मैच में हम गए तो वे सिर्फ संदेश था और इशारा था कि जो भी हो रहा है हम उससे खुश नहीं हैं। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले ऑलराउंडर ने याद किया कि कैसे अल सुबह 3 बजे BCCI चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने उन्हें पहले वनडे में खेलने के लिए कहा था। ब्रावो ने कहा, मुझे ध्यान है कि पहले वनडे से पूर्व सुबह 3 बजे मुझे BCCI बॉस का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि कृपया आप लोग मैदान पर आना। मैंने उनकी बात मानी और सुबह 6 बजे उठकर अपनी टीम से कहा कि हम मैच खेलेंगे, जबकि सभी खेलने के खिलाफ थे। हर कोई यह सोच रहा था कि मैं दबाव ले रहा हूं और इन सभी बातों पर चिढ़ रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता थी, क्योंकि मैच न खेलना और दौरा बीच में छोड़ना गंभीर मुद्दा था। हम सभी आजीवन प्रतिबंधित हो सकते थे, इसलिए मके को थाम करता था। BCCI के बॉस की बात मानकर मैंने एक चीज पर भरोसा किया कि हम सुरक्षित हैं। ब्रावो ने कहा कि WIPA अध्यक्ष दुबई में होने के बावजूद हमसे नहीं मिले, जबकि वॉवेल हाइंस और कैमरन ने 2 सप्ताह बाद मिलने की इच्छा जताई। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि खिलाड़ियों का वेतन जनवरी में काटने पर बोर्ड ने बातचीत की थी, मगर बोर्ड ने सीधे बिना किसी नोटिस के 75% वेतन काट दिया। याद हो कि ब्रावो 2014 भारत दौरे पर वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा वनडे आखिरी मैच था जब ब्रावो ने 50 ओवर के मैच में कैरेबियाई टीम की कप्तानी की।